हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो सेशन लेके आए हैं फ्रेंड्स, आपका दिल्ली पुलिस 2023 में यानी मैथ में जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाया है या आप सभी लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजा है फ्रेंड्स, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स आगे एग्ज़ाम हो रहा है, ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो है इस पर जो है व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। 7785638064 ये मेरा मोबाइल नंबर है फ्रेंड्स, इस पर जो है आप लोग क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, पांचवी अभाज्य संख्या एवं 100 से अगली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल और केवल क्या हो, दो फैक्टर हो। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो, तीन, उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाँच, पाँच के बाद सात, और सात के बाद क्या हो जाएगा, ग्यारह। तो पांचवी अभाज्य संख्या क्या होगी, ग्यारह। बहुत सारे बच्चे वन ले लेते हैं, अगर वन लोगे तो फ्रेंड्स सेवन आ जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इस बात का ध्यान देना है। तो इसका मतलब देखिए, पांचवी अभाज्य संख्या ग्यारह आ जाएगी। सौ के बाद प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, 101। अभाज्य संख्या क्या है, 101। 11 × 101 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, चार बार वन आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन, क्लियर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में आप लोगों को करना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, प्रथम पांच भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। भाज्य मतलब देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर हों। ऐसी संख्या फ्रेंड्स जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, चार के बाद देखिए फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, छः, छः के बाद देखिए फ्रेंड्स आठ, आठ के बाद नौ, और नौ के बाद क्या हो जाएगा, दस। इसी का औसत पूछा, तो औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। इन सबको जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, छः चार दस, दस दस बीस, नौ आठ सत्रह, यानी कितना हो जाएगा, सैंतीस। सैंतीस में क्या करेंगे, पाँच से भाग कर देंगे, तो पाँच सत्तर पैंतीस और पाँच चौके बीस, 7.4। यानी 7.4 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसा कि मैंने 12 डेज हार्ड क्वेश्चन चैलेंज में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को मैंने कराया है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा खासा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक संख की ऊंचाई यानी हाइट आपको कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और फ्रेंड्स आधार की त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, देखिए फ्रेंड्स एडवांस मैथ की एक ही खासियत है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है, तो रख दीजिए 1/3। आंसर सारे पाई में देख रहे हैं तो पाई रहने दीजिए। रेडियस आपको कितना दिया है, 4, तो यानी 4 × कितना हो जाएगा, 4। हाइट 3 दिया है तो कितना हो जाएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 πcm³ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है दिल्ली पुलिस में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची और कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 40% की हानि पर बेची, तो 40% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो यानी 40 बटे कितना कर देंगे, 100, 0 से 0 कैंसिल, 2, यानी कितना जाएगा, 2/5। तो 2/5 40% का मतलब हुआ, तो फ्रेंड्स जो नीचे रहता है यही सीपी होता है, तो 2 का नुकसान हो गया, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, मेरा 3 आया क्वेश्चन में 900, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 300। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो यानी 5 × कितना कर देंगे, 300, तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1500। यानी 1500 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में करना है, हो सकता है कि अगली बार डाटा अगर टफ देता है अगले शिफ्टों में, तो फ्रैक्शन वाला ही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, इस बात का ध्यान देना।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है फ्रेंड्स, 100 होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 15,000 × 15 × 3 और क्या हो जाएगा 2,200। तो देखिए फ्रेंड्स 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 150 × 15 × क्या कर देंगे 3। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 15 × 3 = 45, 150 × कितना कर देंगे 45। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में तो 0 आएगा ही आएगा, 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 7 आ गया, 15 × 4 = 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी 6,750 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या है, यह भी बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया आपके पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक दुकानदार वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करता है कि वो सबसे पहले सीपी को कितना मान लेते हैं 100% मान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज केस में हमेशा 100 ही मानना है, इस बात का ध्यान देना। एक दुकानदार वस्तु की कीमत लागत से 30% अधिक नियत करता है, तो 30% अधिक नियत करता है यानी एमपी कितना हो जाएगा 130। अब इसी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा, तो फ्रेंड 10% डिस्काउंट देगा, 130 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 घटा देंगे तो फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 117। तो देखिए सीपी 100 है तो हमेशा प्रॉफिट किस पे देखा जाता है 100% में ही, सीपी 100 है, एसपी 17 है, तो यानी 17% का ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाभ हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एवरेज से भी देखने को मिल रहा है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है, अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स औसत का मतलब हमने कहा कुल सम, यानी क्या करना है कि कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता, तो सबसे पहले सम निकालिए। तो 24 × कितना कर देंगे 35, अब प्लस कितना कर देंगे फ्रेंड्स 26 × 30, अब बटे कितना हो जाएगा 50। अब देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करिए, 5 से काटते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, इसको 5 से काटते हैं तो 5 × 7 = 35, इसको 5 से काटेंगे 5 × 36, यानी दोनों जगह कटना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, 28 × 8 कितना आ गया 2, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 7 × 2 = 14 और 14 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 16, 168। यहाँ पे करेंगे देखिए फ्रेंड 6 × 36, 36 × 6 = 3 आ गया, 6 × 2 = 12, 3 = 15, इसको जोड़ देंगे 8 × 6 = 14, 4 हासिल लाइन 1, 6 × 5 = 11, 1 × 12 = 2 हासिल लाइन 1, 324 × 10 यानी कितना जाएगा 32.4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदता है और 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा जब इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा एक की वैल्यू निकाला करिए, इस बात का ध्यान देना, यानी एक अमरूद की कीमत निकाला करिए। 150 अमरूद वो 525 रुपये में खरीद रहा है, तो एक अमरूद कितने में खरीदा रहा होगा। तो फ्रेंड्स कितने में खरीदेगा 520 बटे कितना 525 सॉरी फ्रेंड्स क्या है 525 है, इस बात का ध्यान देना, और बटे कितना है 150, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 × 3 = 15, 0 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 105, फिर 5 से काटेंगे 5 × 36, इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, फिर 21/6 आ गया, 3 से काटेंगे देखिए फ्रेंड्स 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, यानी 3.5 रुपये आ गया, 7/2 का मतलब 3.5 रुपये एक अमरूद की कीमत आ गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड 36 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो इसका मतलब 12 रुपये में 36 बेचता है, तो एक कितने में बेचेगा 12 × 36 में बेचेगा, 3.5 का सामान फ्रेंड्स 3 में बेच रहा है, यानी इस बार हानि होगी ये बात तो तय है, कितने का 0.5 का,
कितने में, 3.5 में, और इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स 100 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड डिसिमल इक्वल जगह है कट जाएगा, 5 × 7 = 35 यानी 100/7, 100/7 का मतलब कितना हो जाएगा 14.28% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी हानि होगी, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन में एक करा भी चुका हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत से 15% अधिक अंकित करता है, उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स फिर वह इस पर 40% का डिस्काउंट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग खुद से करिएगा, इस टाइप का सवाल मैं आप लोगों को सेम इसी टाइप का एक सवाल करा भी चुका हूँ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी हर एक टॉपिक से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, कह रहा बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे कह रहा। तो देखिए फ्रेंड्स ए है, बी है और क्या है सी है। ए कह रहा किसी काम को कितने दिन में करता है 50 दिन में, बी कितने दिन में करता है 75 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो 50, 75, 20 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। देखिए 50 × 3 = 75 यही हो जाएगा, 5 × 3 = 15 150, 75 × 2 = 150, 20 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 20 से, 20 से नहीं कटेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, 2 से काटेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन को आसान भी करना है तो फ्रेंड्स 300 ले लीजिए, ज़्यादा आसान है आपके लिए, 300 ले लेते हैं। 300 लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 से काटेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा 6, 75 × 3 = 300, 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15। फिर कह रहा है वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 6, 4, 10, 15, 10, 25 यानी 4 दिन तक काम करते हैं, तो 25 × 100 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना, शेष काम बचा कितना 200। कह रहा है कि फिर सी काम को छोड़ देता है तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है 4 काम, तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 10, तो कितने दिन में कर देंगे 20 दिन में, यानी 200/10 यानी 20 दिन ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स डाटा वही मानना है, 150 भी आता लेकिन आपका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। आप मानने के लिए एक भी मान के लगा सकते हैं लेकिन मुझे डाटा वही मानना है जिससे मेरा आंसर आसानी से आए, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आपसे कह रहा है कि जिसकी भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कहीं ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, अगर ट्रिपलेट बनता यानी पाइथागोरस थ्योरम, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं तो आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा, सबसे पहले यही आपके दिमाग में चलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एरिया बराबर हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एस क्या है, अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यानी सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो, यानी 13 × 17 × 18 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आपस में ऐड कर देंगे तो देखिए 13 और 17 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 30 कितना हो जाएगा 30 और 18 = 48, 48 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 24, यानी कितना हो जाएगा 24। अब इसी पे अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, अंडर रूट 24, 24 में से 13 घटाएंगे फिर 17 घटाएंगे 18 और कैलकुलेट आपको कर लेना है, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स कैलकुलेट करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।